नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली जेके गवर्नमेंट जब स्टूडेंट पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करेंगे संजवा आर्मी रैली भर्ती अपडेट्स के बारे में। आपको बता दें कि संजवा की जो भर्ती हुई थी उसका रिटर्न एग्ज़ाम जो कि 25 अप्रैल को होने वाला था वो एग्ज़ाम कैंसिल और पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा गया है कि ऑल इंडिया में जितने भी तमाम एआरओ हैं उन सभी का जिनका भी एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब कब होगा, जो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बता दें कि इसके लिए दोबारा न्यू डेट निकाली जाएगी। जब भी इसके रिलेटेड कोई अपडेट्स, कोई नोटिफिकेशन, कोई वेबसाइट पर डिटेल्ड आएगी तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट रखें। फिलहाल कैंसिल नहीं हुआ है, इट मीन्स कि एक पोस्टपोन कर दिया है। आगे इसकी डेट दोबारा न्यू डेट आएगी, जब भी इसकी न्यू डेट आएगी आप लोगों को बता देंगे। आपके पास दोबारा टाइम मिल गया है, थोड़ी भर्ती लेट हो गई है ड्यू टू कोविड के चलते। बाकी कश्मीर में आर्मी के फॉर्म लग रहे हैं, आप लोग लगा लें। कश्मीर में जो आर्मी की भर्ती मई के मंथ में होने वाली थी वो भर्ती भी अभी पोस्टपोन कर दी गई है, उसकी भी एक नई डेट जारी होगी। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें, हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए आप चैनल पर जुड़े रहें। आपको बता दें कि जे संजुआ का जो रिटर्न है वो भी पोस्टपोन हो गया है, जो कालूचक में होना था अभी यहाँ पे जम्मू में, वो भी रिटर्न कैंसिल हो गया है। फिलहाल काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि कैंसिल नहीं हुआ है जम्मू वाला, कि जम्मू की अलग से नोटिफिकेशन नहीं आई। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आई है वेबसाइट पर, उस नोटिफिकेशन का मतलब यही है कि तमाम ऑल इंडिया के जितने भी एआरओ हैं जिनका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होना था, 25 अप्रैल को ऑल इंडिया में काफ़ी सारी जगह एग्ज़ाम होने थे, कुछ रिलेशन वाली भर्तियों के एग्ज़ाम होने थे, जहाँ पर वुमेन मिलिट्री पुलिस का भी एग्ज़ाम होना था, उन सभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। आप लोगों को वेबसाइट पर भी दिखा दें, ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, जे जॉइन इंडियन आर्मी .nic, जहाँ पे लिखा गया है कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 25 अप्रैल फॉर सोल्जर GD इंक्लूडिंग साथ में वुमेन CMP सोल्जर टेक्निकल सोल्जर ट्रेडमैन 10th एंड 8th सोल्जर NAVT एंड सोल्जर क्लर्क SKT हैज़ बीन कैंसल्स ड्यू टू कोविड सिचुएशन, फ्रेश डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर। यानी कि तमाम जितने भी आर ओ के एग्ज़ाम थे वो कैंसिल कर दिए हैं, इट मीन्स कि पोस्टपोन कर दिए हैं, उसके द्वारा नई डेट निकली जाएगी। आपको ध्यान में रखें, आपको बता दें कि संजुआ में काफ़ी सारी वैकेंसी है, आप लोग कभी भी डिमोटिवेट ना हो। 2500 से ऊपर GD की यहाँ पर वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी लोगों की 30 के आसपास है, NA और टेक्निकल के भी आपको बता दें कि 10-10, 15-15, 20-20 पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसलिए आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, थोड़े ही दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखें, आपको बता दें कि कोविड की बड़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने की वजह से जो कैंसिल हुआ है, ऑल इंडिया में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, हमें थोड़ा बहुत ARO से भी कंफर्म करा है। बाकी आप लोगों के पास कोई अपडेट्स पहुंचती है तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और साथ में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है, आप लोग को बताते रहें और आपके कंटेक्ट में रहेंगे, लगातार वीडियो हम ARO के रिलेटेड लाते रहेंगे। ऑफिशियल जानकारी आई है आज, आप लोगों से शेयर की है, लाइक कमेंट करके जरूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद।